उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान श्रीकांत शर्मा, श्रीमान लक्ष्मीनारायण चौधरी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, विधायक श्रीमान कारिंदा सिंह जी, मेयर श्रीमान मुकेश ए बंधु, अध्यक्ष अक्षय पात्र फाउंडेशन स्वामी मधु पंडित दासा, उपाध्यक्ष स्वामी चंचलापाथी दासा, ट्रस्टी अक्षय पात्र फाउंडेशन हमारे मित्र भाई मोहनदास पाई, ट्रस्टी अक्षय पात्र फाउंडेशन भाई अभय, और यूपी और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े मेरे युवा साथी देवियों और सज्जनों, मेरे आने में विलंब हो गया इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। सबसे पहले तो लीलाधर बाल गोपाल नंदलाल की धरती से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज जब भगवान कृष्ण की लीलाओं की साक्षी रही धरती ब्रज में हम इस बड़े और पवित्र अवसर के साक्षी बन रहे हैं, तब मैं आपके सामने भगवद गीता का एक श्लोक दोहराना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा था, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदानम सात्विकम स्मृतम। मतलब जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। अक्षय पात्र संस्थान बीते 18 वर्षों से देश के बचपन को पोषक आहार देने का ये सात्विक दान कर रहा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। साथियों, आज थोड़ी देर बाद मुझे कुछ बच्चों को अपने हाथ से खाना परोसने का अवसर मिलने वाला है। जितनी थालियां परोसी जाएगी उसमें से एक थाली 3 अरबवीं यानी 300 करोड़वीं थाली होगी। जैसा कि यहां बताया गया है कि 1500 बच्चों से अभियान शुरू हुआ था और वो आज अभी मोहनदास बता रहे थे 17 लाख बच्चों को पोषक आहार से जोड़ रहा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप सभी ने श्रद्धे अटल जी की सरकार के दौरान पहली थाली परोसी थी। आज 3 अरबवीं थाली परोसने का सौभाग्य मुझे मिला है। साथियों, आप जो ये काम कर रहे हैं वो असाधारण है, असाधारण सेवा का है, अतुलनीय समर्पण का है। ये हमारे उन संस्कारों का विस्तार है जो हजारों वर्ष की महान परंपरा ने हमें सौंपे हैं। मैं जानता हूं कि सेवा और समर्पण किसी सम्मान के लिए नहीं होती, लेकिन आपके इन प्रयासों को हाल में देश ने बहुत बड़ी पहचान दी है। अक्षय पात्र फाउंडेशन को लाखों बच्चों को मिड डे मील से उपलब्ध कराने के लिए गांधी प्रीस प्राइज दिया गया है। इसके अलावा
स्वामी मधु पंडित दास जी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, स्कूलों में मिड डे मील की ये परंपरा आजादी के पहले से ही प्रारंभ में रही है। इसका कारण भारत की स्थितियां परिस्थितियां थी। एक तो गुलामी के लंबे कालखंड के कारण संसाधनों का अभाव हमारे यहां रहा, गरीबी चरम पर पहुंची और लोगों को रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसका सबसे नकारात्मक प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ा। अब बदली परिस्थितियों में पोषकता के साथ साथ पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन बच्चों को मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इस काम में अक्षय पात्र से जुड़े आप सभी लोग, खाना बनाने वालों से लेकर खाना पहुंचाने और परोसने वाले तक के काम में जुटे सभी व्यक्ति देश की मदद कर रहे हैं।